हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। बात करने वाले हैं हाउ टू स्टडी 6 आवर्स पर डे विथ 100% फोकस एंड 100% कंसंट्रेशन, कि आप 100% फोकस के साथ 6 आवर्स कैसे स्टडी कर सकते हो। आगे बात करेंगे आज की वीडियो में, तो चलो फिर बिना इंट्रो टाइम के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बात करते हैं कि कैसे आप 6 आवर्स अडे स्टडी कर सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी सारे टेक्निक्स है, तो पहले बात करते हैं कि आपको कैसे स्टडी करनी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि 6 आवर्स कंटिन्यूसली स्टडी करते हैं और वो सोचते हैं कि हमने 6 आवर्स स्टडी कर ली और हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, बट वो उनकी स्टडी एग्जैक्ट स्टडी नहीं है, वो सूडो स्टडी कहलाती है। सूडो स्टडी क्या होती है? सूडो स्टडी का मतलब होता है कि जो स्टडी लो फोकस एंड लो कंसंट्रेशन से होती है उसे हम सूडो स्टडी बोलते हैं। तो आपने पढ़ा तो है लेकिन वो सिर्फ नाम के लिए आपने पढ़ा है, आपकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि आपने कंटिन्यूसली करी है। कंटिन्यूसली आप जब कोई भी चीज़ करेंगे तो आपका फोकस लेवल डाउन हो जाएगा और वो आपकी सूडो स्टडी कहलाएगी, ठीक है। तो आपको कैसे स्टडी करनी है, बात करते हैं उसके बारे में। तो आपको क्या करना है, आपको इसके ऊपर चंक टेक्निक अप्लाई करनी है। चंक टेक्निक में क्या होता है कि आपका जो वर्क होता है वो डिवाइड हो जाता है 3 या 4 पार्ट्स में। तो क्योंकि आपको 6 आवर्स स्टडी करनी है तो चाहो तो आप 2-2 आवर्स के पार्ट कर लो या फिर आप 1.5 आवर का पार्ट कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देता हूँ, 2 आवर्स 2 आवर्स एंड 2 आवर्स। और उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको इन 2 आवर्स को अपने डे में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। फॉर एग्जाम्पल 2 आवर्स इन द मॉर्निंग, 2 आवर्स इन द आफ्टरनून एंड 2 आवर्स इन द इवनिंग। आपको नाइट में नहीं जाना, क्योंकि आप नाइट में अगर जाओगे तो उस टाइम तक आपका फोकस लेवल डाउन हो जाएगा और फिर वही आपकी वो सूडो स्टडी होगी, आपकी एग्जैक्ट स्टडी रियल स्टडी नहीं हो पाएगी, ठीक है। इतना होने के बाद आपको क्या करना है, आपको 2 आवर्स स्टडी करनी है इन द मॉर्निंग। अब ये कैसे करनी है, वो आप ऐसे करेंगे, वो आप करेंगे पोमोडोरो टेक्निक के अकॉर्डिंग। यानी कि आपको लगभग 25 मिनट या 30 मिनट आप स्टडी करेंगे, उसके बाद आप 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। आपको ध्यान देना है, आपको कंटिन्यूस स्टडी नहीं करनी है, थोड़ी देर स्टडी करनी है फिर ब्रेक लेना है आपको, फिर स्टडी करनी है, जिससे क्या होगा कि आपका फोकस मेंटेन रहता है और आप जल्दी बोर नहीं होते हैं। तो आप ऐसा करेंगे ज़रूर, आपके वो 2 आवर्स पोमोडोरो टेक्निक के अकॉर्डिंग होंगे और मॉर्निंग में वो जल्दी आप जितना हो सके अर्ली आवर्स में आप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको 6 बजे 7 बजे या जितने बजे आप जल्दी उठते हैं उसी टाइम आप ये स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अगर आप जल्दी ये कर लेंगे तो आप फिर दिन भर फ्री रहेंगे आफ्टरनून तक के लिए, जब आपका सेकेंड चंक स्टार्ट होगा। फिर आपका आफ्टरनून टाइम आएगा तो आप वहाँ भी सिमिलरली इसी तरीके से अकॉर्डिंग टू पोमोडोरो टेक्निक स्टडी करेंगे और उसके बाद सिमिलरली आप इवनिंग में करेंगे। अगर हो सकता है तो आप शुरू के 2 पार्ट्स मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका मॉर्निंग में आपका फोकस ज़्यादा होता है, आपका ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होता है आपके मॉर्निंग में, तो आप उस टाइम भी कर सकते हैं। बट ये 2 आवर्स इन द मॉर्निंग एंड 2 आवर्स आफ्टरनून एंड 2 आवर्स इन इवनिंग का कॉन्सेप्ट बेटर है। मैं इसी को फॉलो करता हूँ, तो मुझे उम्मीद मैं ऐसे ही फॉलो करता हूँ, तो मैं चाहूँगा कि आप ऐसे ही फॉलो करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कि आपको नाइट में जाना है या मॉर्निंग में ज़्यादा करना है। तो ये थी हाउ टू स्टडी 6 आवर्स अ डे की टेक्निक। मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आई, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आपको इसके बारे में और भी जानना है या फिर इस टाइप की आपको और भी वीडियोस चाहिए तो आप मुझे बताइए, और ज़्यादा जानने के लिए आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको स्टडी रिलेटेड मटेरियल मिलता रहेगा। अगर मन में कोई क्वेश्चन डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख भी देना। तो चलो फिर मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड पीस।